यूनान मिस्र रोमान सब मिट गए जहाँ से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोरे जमा हमारा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड इतिहास सेकंड द्वितीय के गेस पेपर की। इस पेपर का नाम होगा भारतीय संस्कृति के मूल आधार। भारतीय संस्कृति जो अपने आप में एक अलग पहचान रखती है, क्योंकि भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है। प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले कहूँगा हमारा लक्ष्य आपकी सफलता, आपकी सफलता। रोने का टाइम कहाँ, सिर्फ मुस्कुराओ, चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा। बस याद रखना जिंदगी मिलेगी न दोबारा। प्यारे विद्यार्थियों, जो कि हम बात करें बीए पार्ट थर्ड के गेस पेपर की, पेपर का समय रहेगा 1.5 घंटे। प्रश्न पत्र होगा 100 अंक का। 2022 सेकंड पेपर बीए तृतीय वर्ष का। महत्वपूर्ण प्रश्न 2022, सदा मुस्कुराते रहो, कदम कदम बढ़ाए जा, ज्ञान के दीप जलाए जा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में खंड 3 होंगे, खंड ए, खंड ब, खंड स, या ये कह सकते हैं कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो देखो सबसे पहले खंड ए, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 7 प्रश्न करने हैं, 50 शब्दों में उत्तर देना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये है छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन। नंबर 1, जैन धर्म में स्यादवाद क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, उपनयन संस्कार। क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म के त्रिरत्न या पंच महाव्रत पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन भारतीय शिक्षा के रूप में नालंदा का उल्लेख पूछा जा सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 5, सैंधव धर्म की कोई 2 विशेषताएं। नंबर 6, कालिदास की 2 प्रमुख पुस्तकें पूछी जा सकती है, या फिर किसी एक पुस्तक का नाम दे करके उसकी टिप्पणी भी पूछ सकता है, चाहे वो मेघदूत हो, अभियान सांकोतलम हो, चाहे अन्य जो भी कालिदास की पुस्तकें हैं उनमें से किसी एक का नाम दिया जा सकता है। उसके बाद में नंबर 7, चरक या फिर वराहमिहिर या फिर आर्यभट्ट के ऊपर भी छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना इनको। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्तकालीन मंदिरों की 2 प्रमुख विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 9, कबीर या फिर कबीर के प्रमुख उपदेश क्या थे। क्वेश्चन नंबर 10, मीराबाई या सूरदास के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, राजपूत चित्रकला शैली की 2 विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 12, फतेहपुर सीकरी पर टिप्पणी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, मुगलकालीन 2 प्रमुख इमारतें पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, बनी ठनी कौन थी। क्वेश्चन नंबर 15, विवाह के प्रकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, आर्य समाज की स्थापना कब, किसने और कहाँ की। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, गीतांजलि पर टिप्पणी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 19, शुद्धि आंदोलन जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, भक्ति आंदोलन के बारे में बताइए। ये छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है खंड ए सेक्शन ए के, इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए इनको तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। खंड ए के छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन कहे जा सकते हैं।
क्योंकि ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय संस्कृति के मूल आधार, इसलिए इस पेपर को अच्छी तरीके से तैयार करना। ये पेपर जीके से भी संबंधित है, जहां भारत का जीके होगा वहां ये टॉपिक आपको जरूर मिलेंगे। देखो आगे, खंड ब सेक्शन बी, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे अथवा सहित 5-5 उनके अथवा, जिसमें से आपको कोई 3 प्रश्न करने हैं, 200 शब्दों में उत्तर बताना है। देखो नंबर 1, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, वैदिक धर्म की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, आश्रम व्यवस्था पर टिप्पणी आ सकती है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 4, पुरुषार्थ अथवा 16 संस्कारों पर एक टिप्पणी लिखिए, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, चाहे तो 4 पुरुषार्थों के बारे में या फिर 16 संस्कारों के बारे में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, रामायण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा तुलसीदास पर भी एक टिप्पणी आ सकती है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो मैं बार बार कहता हूँ, अच्छी मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आओ और अपना नॉलेज बढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 6, मुगल स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन भारतीय शिक्षा के प्रमुख केंद्र बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, पौराणिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। पौराणिक जो धर्म है ना, उसकी प्रमुख विशेषताएं बतानी है। नंबर 9, मौर्य कला अथवा गुप्तकालीन कला की प्रमुख विशेषताएं, दोनों में से एक जरूर आएगी, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन के इतिहास में ब्रह्म समाज या फिर हम कह सकते हैं राजा राममोहन राय की भूमिका, उसका योगदान पूछा जा सकता है, तैयार कर लेना। ये खंड ब सेक्शन बी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन है सिलेक्टेड, जो आपको तैयार करने हैं, आने की पूरी पूरी संभावना है, आपके पेपर में जरूर मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखो खंड सेक्शन सी में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे, पेपर में कितने प्रश्न होंगे, 5, जिसमें से आपको कोई एक प्रश्न करना है, एक प्रश्न ही हल करना है, 500 शब्दों में उत्तर देना है, निबंधात्मक 5 पेज भरने होंगे प्यारे विद्यार्थियों। देखो इसमें 5 टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन से हैं, खंड स, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, खंड स वाले खंड ब में भी आ सकते हैं और खंड ब वाले खंड स में भी आ सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नंबर आ सके। नंबर 1, बौद्ध धर्म, जो कि आज बुद्ध पूर्णिमा भी है प्यारे विद्यार्थियों, तो बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बौद्ध धर्म अथवा जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, दोनों में से एक आएगा, जो कि रेगुलर स्टूडेंट के जो पेपर होगा उनके तो बौद्ध धर्म आने की पूरी संभावना है, और जो प्राइवेट दे रहे हैं इस पर प्राइवेट वाले पेपर में जैन धर्म आने की पूरी संभावना है, तो इसलिए इनको तो तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 2, वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी उत्पत्ति के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, महाभारत के सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व का विश्लेषण कीजिए, आएगा, ये मानो आपके पेपर में छप चुका है, तैयार कर लेना महाभारत वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, मथुरा और गंधार कला पर एक तुलनात्मक अध्ययन बताइए। कहने का मतलब, मथुरा और गंधार कला की प्रमुख विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, स्वामी दयानंद सरस्वती अथवा रविन्द्रनाथ टैगोर के सामाजिक एवं सांस्कृतिक योगदान का मूल्यांकन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन 5 को
तैयार कर लेना, आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। हो सके तो माँ सरस्वती कृपा से पांचों मिल जाए, पांच नहीं तो चार, चार नहीं तो तीन, तीन नहीं तो दो, और दो नहीं तो एक, और आपको तो एक ही करना है। एक आ जाए तो ये मानो अपना 100% गैस पेपर आ जाएगा। आपको तो एक ही करना है, एक ही तो चाहिए। आप पांचों तैयार कर लो, क्या पता खंड स में ना करके खंड ब में आ जाए। नोट, कृपया ध्यान दे, सभी पर्सन अनुमानित है, गैस पेपर है, ये तो मॉडल पेपर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अनुमानित है। संभवतः इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस गैस पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको ही फायदा होगा, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकेंगे। ना यार बड़ा ना प्यार बड़ा, जरूरत में जो काम आए वो इंसान बड़ा। प्यारे विद्यार्थियों, वो इंसान बड़ा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर अच्छा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए आपके। इस गैस पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, और मेरे फाइनल के विद्यार्थियों को यही कहूँगा, दिल में हमारी याद रखना, चेहरे पे मुस्कुराहट रखना, कभी कोई हरा ना सके आपको, ऐसा अपना मुकाम रखना। हर खुशी पर हक हो आपका, खुशियों भरा सफर हो आपका, गम कभी करवट ना बदले आपकी तरफ, सदा मुस्कुराता रहे चेहरा आपका। तो प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा पेपर करके आना है, सुंदर स्पष्ट और जल्दी लिखना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स नंबर आपके आ सके। ये इतिहास का पेपर है, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना बढ़िया होगा, क्योंकि आज हमने बात की बीए पार्ट थर्ड इतिहास सेकंड के गेस पेपर की। इस पेपर का नाम होगा भारतीय संस्कृति के मूल आधार, क्योंकि भारतीय संस्कृति हमेशा अक्षुण बनी हुई है, तो भारतीय संस्कृति हमेशा विश्व में सर्वोच्च स्थान पर रहेगी, क्योंकि हमने देखा कि भारतीय संस्कृति के अंदर किस तरीके की पहचान है, किस तरीके से भारतीय संस्कृति जानी जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना मत भूलना। जो इस बार बीए पार्ट थर्ड में इतिहास का पेपर दे रही हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में, उन विद्यार्थियों तक आपको पहुंचाना है। ये मैं बार बार आपसे निवेदन भी करता हूँ कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, शेयर करने में आपका कुछ नहीं लगता, जबकि अन्य विद्यार्थियों तक पहुँचेगा तो उनको भी फायदा होगा। क्या बता, इस गैस पेपर में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले। तो प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। और अंत में यही कहूँगा, सदा हंसते रहो, प्रेम से मस्त रहो, सदा खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो और अपनों का भी ध्यान रखो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी मेहनत करो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आओ। ओके।